देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मनमोहन लाल खट्टर जो है हरियाणा के समझ का घर के बाहर किसानों के खिलाफ जो हो रहा है उसके लिए खट्टर के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर, ये देखिए किसानों को लेकर जो शंभू बैरिकेड पर हो रहा है, शंभू बैरिकेडिंग हुई है, टीयर गैस शेल चलाए गए उसके विरोध में यहाँ पर लगातार यहाँ पे मेहरबानी, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ, कांग्रेस के लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चंडीगढ़ का ये हाई सिक्योरिटी जोन है, मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर की ये तस्वीरें। मनोहर लाल प्रगट सिंह एमएलए, बरिंदर ढिल्लो जो यूथ कांग्रेस को प्रधान रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं ठीक मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं कि किस तरह ये प्रोटेस्ट चल रहा है और धक्का मुक्की सिक्योरिटी जो है कर रही है कांग्रेस। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर, कांग्रेस नेता बरिंदर ढिल्लो आगे हैं, प्रगट सिंह हैं और जो वहां ये सीएम के घर के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन उनको रोका जा रहा है। धक्का मुक्की की तस्वीरें लगातार यहाँ हो रही है, धक्का मुक्की की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम हाउस, हरियाणा सीएम हाउस, उनका कहना है कि जो किसानों पर टीयर गैस मारा जा रहा है उसे ये हाथ है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन हुआ है मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर और काफी अग्रेसिव जो है यहाँ पर सीएम सिक्योरिटी भी है और कांग्रेस के लोग आपस में झड़प हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बैठ गए हैं, धरना देना चाहते हैं यहाँ बैठकर, और आप देख सकते हैं कि किस तरह तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज पर खट्टर, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन जारी है। ये लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप लगातार देख सकते हैं तस्वीरें एबीपी न्यूज पर भी किस तरह यहाँ पर जो है वो हो रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें आप लगातार क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, क्यों हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहे, किसानों की बात को दबा रहे हैं। ये खट्टर सरकार तशद्दुद कर रही है, गोलियां बरसा रही है हम पे गोलियां। ये जो पंजाब को कश्मीर नहीं बनने देंगे, यहाँ जिस तरीके से किसानों पे गोलियां चलाई जा रही है, ये खट्टर और मोदी और ये भगवंत मान ये सारे किसानों के कातिल है, इन कातिलों से हिसाब। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, आज असी पीसफुली प्रोटेस्ट करन आए हां क्योंकि ये साडे किसानां नूं पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं करन दे रहा और उहदे करके असी इत्थे सारे इकट्ठे हो के आए हां तां कि जिहड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट है ये नाजी सरकार बन लगी आ मोदी दी और जे पंजाब दे विच आण के पैलेट चलाउंदे आ गोलियां चलाउंदे आ तां उस पंजाब दा बहुत वड्डा नुकसान है और इसलिए असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिहड़ा खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। लगातार यहाँ जो माहौल क्लियरली आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो प्रोटेस्ट लगातार जारी है, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। हरियाणा सीएम के घर के बाहर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, जिस तरह किसानों के ऊपर टीयर गैस शेल फायर किया गया है, इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया गया है और प्रोटेस्ट लगातार यहां जारी है और सिक्योरिटी के साथ यहां हाथ हुए। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ असीम बसी, एबीपी न्यूज चंडीगढ़।